Thank you, Pathkum. समीक्षा क्रम में टेलरिंग सेंटर, नर्सिंग सेंटर एंड कंप्यूटर सेंटर, कि आप इस चीज को कंट्रोल रखेंगे। आने वाले रास्ते जो इंफिल्ट्रेशन के रास्ते हैं, तकरीबन हमारे जो फॉरवर्ड एरिया के जो बच्चे हथियार लेकर के गायब हो गए थे, मगर आर्मी की वजह से, पुलिस की वजह से, सिविल एडम की वजह से, मगर खास तौर से सिविल सोसाइटी जो आपका समाज, आप लोग ने एक जो नैरेटिव चला था यहाँ पर, लोग खाना से डेलीगेशन आया था और उन्होंने मुझे ये बोला कि हमारा जो इस्तेमाल किया गया एक नेक्सस के द्वारा, खास तौर से जो 1991 का आपको सबको मालूम है एक फेक नैरेटिव चलाया गया, उससे हमारे वाकई में बहुत नुकसान हुआ है। और बाकी तो ठीक है, जो नेक्सस जिन्होंने हमें गलत रास्ते पे चलाया था उन्होंने तो छोड़ दिया, बाकी भी जो आस पास के गाँव हैं, कल का जो त्रिगाम का जो हल्का है, वहाँ के लोगों ने हमें काफ़ी अलग थलग कर दिया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए कुछ करें, तो उनकी कुछ डिमांड थी, कोई उन्होंने मेरे को 10-12 चीज़ें बनाई थी, खास करने के लिए, लड़कियों के कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ट्रेनिंग के लिए, कंप्यूटर सेंटर्स के लिए और कुछ स्पोर्ट्स किट देने के लिए, और इस तरह की कई चीज़ें उन्होंने डिमांड करी थी। तो मैंने उनको यही तब बोला था कि मैं आऊँगा तब जब मैं आपकी कई चीज़ों को पूरा कर सकूँ, तो वो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा करा कुनान कोचपुरा के गाँव वालों के लिए। और मैं आज ही वाकई में ज़मीन पर देखने आया था कि यह ग्राउंड बन गए, क्या सब चीज़ें हो गई हैं और लोग कैसे हैं। इनकी कुछ और डिमांड्स हैं और कुछ इनकी और रिक्वेस्ट जो उन्होंने करी है, मैं उसके ऊपर भी पक्का गौर करूंगा और यकीन करूंगा कि वो चेंज। तो मुझे ये लगा कि अभी मैं एक बच्चे से मिला और उसके बुजुर्ग फादर से मिला, वो जो बच्ची है, वो जो एक तबका है जो अपनी लड़कियों को बाहर नहीं जान देता था, वो आज वॉलंटियरली अपनी बच्चियों को बाहर जान दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है, ठीक है, क्योंकि एक सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। और लोग अगर यहाँ का बुज़ुर्ग ये समझ रहा है कि हमारी बच्ची बाहर जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, अपना खुद काम करेगी, तो इसका मतलब एक सबसे बड़ा प्रोग्रेस ये है। आप हमारे देश के चारों तरफ देखिए किस हिसाब से वहाँ पे औरतों के साथ में ट्रीटमेंट होता है, उनको एक बदहाली के तरीके से ट्रीट किया जाता है। और आप यहाँ देखिए, आपके कश्मीर कुपवाड़ा जो एक पूरा बैकवर्ड इलाका है, अगर यहाँ की जनता इस चीज़ को समझ जाए कि एक औरत की क्या ज़रूरत है और उसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चेंज ये है। दूसरा बड़ा चेंज ये है कि पिछले कई सालों के अंदर कुपवाड़ा के अंदर ना कोई टेररिस्ट है, ना यहाँ से टेररिस्ट रिलेटेड कोई एक्टिविटी है। इसका मतलब ये सबसे पहले जो टेररिज्म का घास था या उसका नुकसान था वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पड़ा, क्योंकि यहीं से लोग टेररिस्ट आते थे और यहीं पर ट्रेनिंग होती थी, यहीं पर सब काम होता था। यहाँ के लोगों ने सबसे बुरी हालत देखी और वो ये चीज़ समझ गए कि किस तरह उनका लोग बेवकूफ़ बना रहे थे। गरीब आदमी उसको 500 रुपए दे करके दिया, पकड़ाया, वो मर गया। उसके बाद में कोई, यही एक गांव है दरपुरा जिसके अंदर, वहां पे कितनी वीडियोज़ हैं इसी कारण से। तो आप ये समझिए, वो समझ गए हैं। और सबसे बड़ा चेंज ये है कि प्रोग्रेस के रास्ते है, यहां के लोग चलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से त्रिगाम को एक अपना एक अलग असेंबली सीट मिली है, इससे ये जो हल्का है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक गाँव तेजी के साथ प्रोग्रेस कर लिया। आई एम क्वाइट श्योर थिंग्स आर ऑन द गुड पाथ। आपको लगा कि जिस तरह से अनसैन के कत्ल हो रहा है, लड़के जा रहे हैं, सर पर मारे जा रहे हैं, सीधे लड़के, तो क्या कहेंगे बोल के लिए, कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, चैलेंज तो हमारे लिए है, ठीक है, चैलेंज किसके लिए है? सिविल सोसाइटी के लिए है। अगर एक CRPF के जवान को उसके घर के सामने 16-17 साल के बच्चे ने गोली मारी, तो सबसे पहले ही बात है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने उसके माँ बाप से जिसने गोली मारी है उसे क्या जाकर पूछा है, क्योंकि उसने जब गोली मारी है तो
वो जो बच्चे हैं उसका परिवार है, उसके परिवार को नुकसान हुआ है, और अब उस लड़के को कल पकड़ लिया पुलिस वालों ने, और वो भी परिवार एक बर्बाद परिवार हो जाएगा, दो परिवार बर्बाद हो गए। ये तो आप लोगों को अपने बच्चों को समझाना है कि बेटा ये जो तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है दिमाग ख़राब करने का सोशल मीडिया के तौर पे, वो कोई एक एजेंसी अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। सिक्योरिटी की तरफ से हमारा पूरा काम तैयार है, जहाँ पे टेररिस्ट का पता चलता है हम वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, उसको मार देते हैं, पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं। मगर आप ये देखो चैलेंज जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि पहले 20-25-30 साल के पढ़े लिखे जवान यूथ हथियार उठा करते, आज उनके पास में वो लोग मिल नहीं रहे, यानी कि वो समझ में आ गई है। तो अब वो किसके ऊपर जा रहे हैं, 16-17-18 साल के बच्चों पर जा रहे हैं। तो आपके थ्रू मैसेज यही है, ये सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए कोई मसला बड़ा मसला नहीं है, ये मसला आपके लिए है, अपने 16-17-18 साल के बच्चों पर नज़र रखें जो आपके दुश्मन हैं और आपके बच्चों के दुश्मन हैं, उन पर नज़र गड़ाई, उसको निकाल के वो मरवा देंगे, आप अपना बचाओ। पिछले 2-3 साल साल भी कम हुए और इस बार सर बर्फ पिघलना शुरू हो गया सर की लॉन्चिंग पे, सर लॉन्चिंग पेड से क्या ट्राई हो रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन के लिए ट्राई हो रही है सर? नहीं यार, अगर ट्राई होगी बंदे तैयार हैं उस पर, जो आना चाहे वो वेलकम है। पाकिस्तान मिसाइल चला गया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान मिसाइल चला गया आपका, वो दूसरे इलाके में गया है, मेरे इलाके में नहीं है, मैं अपने इलाके में। पाकिस्तान सर, सर सर सरपंच सर सरपंच की सर सरपंच सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल मेरे हिसाब से वो आना चाहिए, उसको मोर वेलकम है। मुझे यकीन है कि जो कुपवाड़ा की जनता है, जो वो टेररिस्ट आएंगे उनके बारे में हमें खबर देगी और हम उनको तुरंत से तुरंत ट्रेस करेंगे। सर सरपंचों के लिए जो सिक्योरिटी का इंतजाम, ये वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी दिए जाए, कि तक इंतजाम हो रखा है और उनको जो सिक्योरिटी का मसला है वो पुलिस उनको कोऑर्डिनेट कर रही है, उनके पास में जगह दी गई है, उनको अगर जहाँ भी जाकर सिक्योरिटी वो रह सकते हैं।